मेरे साथ मंच पर अपनी आज के इस कार्यक्रम में स्थानीय पंचायत की लोकप्रिय प्रधान प्रिय विद्या नेहा वर्मा, मैंने जानबूझकर नाम यहाँ से शुरू किया है, उनके उपप्रधान मेरे पार्टी में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रिय भाई महेंद्र गढ़वाल जी, एसडीएम पवन शर्मा जी, वीडियो मिस्टर निशांत तोमर जी, हाल ही में निर्वाचित जिला परिषद सदस्य प्रिय भाई संजीव ठाकुर जी, जिला में एससी मोर्चा के अध्यक्ष प्रिय भाई मदन जी, पीडब्ल्यूडी विभाग से माननीय श्री सुशांत चंद ठाकुर जी, इस विभाग से सभी यहाँ पर उपस्थित कर्मचारी और मेरे अधिकारी बंधुओं, इस प्रांगण में उपस्थित सभी मेरे देश श्रेष्ठ बंधु और बहुत ही स्नेही मेरी मातृशक्ति, मेरा सौभाग्य कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सबसे मुझे मिलने का मौका मिला और अपनी ओर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बैठे बैठे कुछ चिंतन मंथन मन में चल रहा था कि ये दिन एक ही दिन हम क्यों मनाते हैं वर्ष में, जबकि होना तो ये चाहिए या होता तो यूं है कि हर दिन आप ही के नाम है। पता नहीं किस धूर्त की मानसिकता ने ये एक इस आधी दुनिया की मालकिन जो है आप अपना नाम दे दिया। मैं कुछ अपनी ही बातें करूंगा, क्योंकि मैं राजनीतिक भाषण देने नहीं आया, मैं भी एक मीडिया का पापा हूं, मेरी भी एक बेटी है। समाज में एक विसंगति थी और खासकर मैं यदि बात करूं इस हिंदू समाज की, सनातनी समाज की, तो एक बहुत बड़ा पाखंड हम लोगों ने रच के रखा हुआ था। आज हम जब जहां बैठे हैं ये भी मां भगवती का दरबार है, पूजा अर्चना जब हम करते हैं तो आस पड़ोस की कुछ कन्याओं को लाकर उनकी बंदगी करते हैं। लेकिन यही सनातनी समाज, यही हिंदू समाज पेट में जब बच्ची पनप रही होती है तो उसका वध करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करता। तो ये जब दोहरी मानसिकता थी, पत्नी आदिकाल से ही चली आ रही होगी, लेकिन दावे के साथ कह सकते हो इतनी सारी मेरी बहनें यहां बैठी है, एक कोई हाथ खड़ा करके बता दे कि किसी पुरुष बंधु ने उसके पेट में पलने वाली बच्ची का जब लिंग का पता लगाया हो और उसको बाध्य किया हो उस बंधु ने कि नहीं मुझे बेटी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि समाज में एक मूलभूत परिवर्तन आया है। एक और मेरी मान्यता है, ये जो मानव रूपी जो हमारा जीवन है इसमें एक रंगोली है, रंगों की एक भरमार है, और ये जो जीवन रूपी रंगोली है इसमें भगवान ने, परमात्मा ने, ईष्ट ने, अल्लाह ने जो रंग भरे हैं वो मात्र शक्ति के रूप में भरे हैं। आप पत्या की देवी है, कहीं तो आप मां की भूमिका में है, कहीं अर्धाग्नि की भूमिका में है, कहीं एक प्यारी सी बिटिया का प्यार किसी पापा को मिला है, उसकी अनुभूति को शब्दों में शायद व्यक्त करना मेरे लिए भी मुश्किल है। जिनकी बेटियां हैं वो इस अनुभूति, इस प्यार को बहुत बखूबी समझते हैं। और आदिकाल की बात भी की जाए और मुझे ये कहते जैसे कुछ संकोच मेरी इस बिटिया ने नहीं किया अपनी बात रखते हुए, तो मैं भी कुछ ऐसी ही बातें करूंगा। कालांतर में मुझे ये लगता है कि मसल पावर की वजह से हम लोगों ने अपनी शक्ति को अपने अधीन कर लिया होगा। लेकिन बहनों,
ये जो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि युगों की बात करते हैं, कोई सतयुग कोई कलयुग क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन यदि सतयुग की ही बात करें और वही युग यदि सचमुच सच्चा युग था, सत्ता सतयुग नाम से जिसको पुकारा जाता है, तो मुझे बताएं कि उस युग में हमारी डिफेंस मिनिस्टर कौन थी? आप बता सकती हूँ खड़े कोई हाथ खड़ा करके? बात सच होती है, ये पेट की भूख आदमी की नहीं, पंछी पंखेरु जिनकी भूख को शांत करती है वो मान पूर्ण है। मुझे ये बताएं कि इस पुरुष समाज के हाथ में आदिकाल में क्या, आपको अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को आगे वापिस पाना है, मैं सरेआम ये बात बोल रहा हूं, आपको सशक्त होने की जरूरत है। मैं नहीं कहता कि सारी योजनाएं जितनी भी है, चाहे केंद्र सरकार की चाहे प्रदेश सरकार की है, सबकी सब महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है, लेकिन अभी भी इस समाज में बहुत कुछ करना बाकी है। जहां हक ना मिले वहां छीनने की हिम्मत हमें पैदा करनी है। आकाश है, ये भूखंड है, जमीन के नीचे है, हर जगह आपने अपनी शक्ति को दिखाया है। आकाश में कल्पना चावला का नाम आज भी पूरी तरह से चमकता है, आप जानती है ना सब, हाँ नहीं बोल रही। मुझे एक कोई इस जीवन का कोई एक सोपान ऐसा बता दो जहां आपकी भूमिका नहीं है, एक कुछ परित्याग आप में है। किसी बच्चे को किसी नौजवान साथी को बोल दी जाए कि आपकी ये घर बार छोड़ के कहीं दूसरी जगह घिसकी बसानी है, मुझे लगता है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। ये हिम्मत आपकी है कि 20 25 30 साल तक आप एक घर में रहती हैं और फिर जाकर दूसरा घर संभालते हैं, ये हिम्मत। ऐसे एक मेरी बहन यहाँ पे अभी गाना गा के गई, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस इस हॉल में थी, उसके गाने में भी वो तड़प थी। पता नहीं आपके जन्म गले रुदे हो ना रुदे हो, लेकिन एक बेटी का पापा होने के नाते मेरा गला थोड़ी देर के लिए चौक हुआ था। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये स्नेह यदि मानव जाति ने किसी ने बांटा है तो मात्र शक्ति ने बांटा है। मैं बैठे बैठे अपने मेरे पूर्व अध्यक्ष भी हैं और अभी भी आपके ऊपर धान है, लेकिन मुझे विधायक बनाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं बैठे बैठे बात कर रहा था कि आज इस दिन मैं क्या करूं अपनी बहनों के, उनकी तरफ से ये सुझाव था कि यहाँ से देखकर ये पहला बूथ हमारे इस जोन का पड़ता है, दूसरा जो अंतिम छोर है वो सरिगोनक तक है, तो इन्होंने ये बोला कि कुछ ना कुछ अपनी ओर से एक विधायक के रूप में दे के जाए, तो मैं अपनी ओर से वीडियो साहब से आग्रह करूंगा कि एक सप्ताह के अंदर अंदर जितने भी रजिस्टर्ड महिला मंडल मेरी बहनों ने बनाए हैं उनकी सूची मुझे उपलब्ध करवाएं और हर महिला मंडल को 11,000 रुपए की राशि 31 मार्च से पहले मैं डाल के लेके जाऊं। आपने एक अजूबा किया है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि पूछा भी मैंने कि 18 साल की हो गई है, नहीं तो कितनी प्रधानी चली जाएगी। एक बेटी को यहाँ पर आपने रुकना कर प्रधान भेजा है, उसके लिए सारे आप सब जितने भी यहाँ पे बैठी हैं बहने आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं आपकी ओर से एक ऐसे शख्स जो आज हवा की एक्टिव राजनीति में नहीं है, लेकिन राजनीति है कभी कभी भी वो सक्रिय राजनीति में आएंगे, ये जो एक मुकाम हमें मिला है ना, पहले तो 33% आरक्षण हुआ करता था, 50% आरक्षण महिलाओं में पंचायती राज में देने वाला कोई और नहीं, हमारे पूर्व मंत्री प्रेम कुमार धूमल जी हैं जिन्होंने ये उपकार हम सब पे किया था। और आधी दुनिया के मालिक हैं आप, तो पंचायती राज में आधा हिस्सा आपका क्यों ना हो, ये बात को उन्होंने समझा था। आज मैं इस दिन को
इस चीज के लिए भी प्रयोग करता हूँ कि आप सबकी ओर से मैं उनका बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद भी करूँ। और बहुत जल्दी आपसे इसी प्रांगण में दोबारा से मुलाकात होगी। कुछ मांगों का जिक्र मेरी इस मीडिया ने किया है, मुझे लगता है कि आज एक बहुत ही बड़ा दिन है आप सबके लिए। मैं एक MLA बन के आपके पास नहीं आया हूँ, आपका भाई बन के आया हूँ। आज एक छोटी सी ये सौगात देते हुए इस स्थानीय महिला मंडल ने जिसने ये कार्यक्रम किया है, उसका अलग से नाम है, चलिए मैं आपको बात की है, लेकिन एक खुशखबरी की बात की थी कि जो ये नाटक यहाँ पे मेरी बहन ने कुछ कर दी थी, उसमें इन्होंने बताया था कि भाई कोई खुशखबरी आई है। तो मुझे लगता है कि अगले वर्ष ये खुशखबरी सार्थक रूप में, शरीर के रूप में यहाँ पे आए, और अगली बार हम उसका क्या करते हैं, एक साल के बाद वो पंजाब पंजाब के यहाँ पे जब हम मनाए, मैं सुनिश्चित करूंगा कि 8 मार्च को उस पंजाब में मैं भी शामिल हूँ, और उस बच्चे के उपलक्ष में जो धाम होगी, उस बच्चे के उपलक्ष में जो धाम होगी वो आपका विधायक की तरफ से हो, ये मैं आपको रख के जाता हूँ। पुनः मन की गहराई से सभी बहनों को आज के इस पावन दिवस पर बहुत बहुत बधाई। आप आइए, आगे बढ़िए, ये समाज दोनों हाथ फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है। आप हैं तो ये कायनात है, आप नहीं हैं तो दुनिया वीरान है। इन शब्दों के साथ पुनः मैं महिला एवं बाल विकास विभाग का मन की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आप सबसे मुझे मिलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय नारी शक्ति।